नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेखौफ घूम रहे संक्रमित, वर्धा जिले में 12,600 डोज पहुंची, बीवापुर में 9 संक्रमित। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। बेखौफ घूम रहे संक्रमित, कोरोना बीमारी से बचने लाखों लोग जूझ रहे हैं। डॉक्टर, नर्स, पुलिस अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, लेकिन संक्रमित है कि खुलेआम घूम रहे हैं। देश में कोरोना महामारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। इस बीमारी से बचने लाखों लोग जूझ रहे हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए कोरोना योद्धा डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सरकारी महकमे अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, लेकिन संक्रमित ही खुलेआम घूम रहे हैं। कोरोना संक्रमितों को क्वारंटाइन रहना अनिवार्य किया गया है। अगर स्थिति गंभीर है तो अस्पताल में भर्ती किया जाता है। वही परिसर में अनेक कोरोना संक्रमित मरीज ऐसे हैं जो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। घर में क्वारंटाइन होकर भी मार्केट में घूमकर दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं। कौन संक्रमित है इसका पता नहीं लग रहा है। कोरोना की बीमारी छूत की बीमारी की तरह है, जिससे यह संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। हर दिन डॉक्टर गोपाल नारलवार, डॉक्टर तहानमनकर के मार्गदर्शन में RT-PCR एंटीजन टेस्ट की जा रही है, जिसमें कई मरीज संक्रमित मिल रहे हैं। तो वही दूसरी ओर वर्धा जिले में 12,600 डोज पहुंची। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने से सोमवार को टीकाकरण बंद रखने की नौबत आ गई थी। वही दोपहर के समय कोविशील्ड के 12,600 डोज मिले। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने से सोमवार से टीकाकरण बंद रखने की नौबत प्रशासन पर आ गई थी। वही दोपहर के समय कोविशील्ड वैक्सीन के 12,600 डोज मिले, जहां प्रशासन को राहत मिली। कोवैक्सीन खत्म होने के कारण इससे संबंधित केंद्र बंद रखे गए। दिन भर 28 केंद्रों पर कोविशील्ड का टीका दिया गया। इसमें केवल 718 ने पहला तथा 13 लोगों ने दूसरा डोज लिया। जिले में वैक्सीन की आपूर्ति न होने के कारण टीकाकरण मुहिम प्रभावित हो चुकी है। कोवैक्सीन की भारी किल्लत देखी जा रही है। जिन लोगों ने पहला टीका लगवाया है, वे दूसरे टीके लिए दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। तो वही तीसरी ओर भीवापुर में 9 संक्रमित। गत 2 दिनों में शहर के 2 और ग्रामीण के 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने की जानकारी प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग ने दी है। भीवापुर में गत 2 दिनों में शहर से 2 और ग्रामीण में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग ने दी है। 23 और 24 मई को भीवापुर ग्रामीण अस्पताल के कोविड-19 जांच में 20 रैपिड एंटीजन और 20 RT-PCR जांच की गई। इसमें 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। सोमनाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत 33 एंटीजन तथा 66 RT-PCR जांच की गई। इसमें 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। जवली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 21 एंटीजन और 73 RT-PCR जांच में 3 संक्रमित मरीज पाए गए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लेन का एक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार।